मूल यही फोकस है, मैं हिंदी भी लिखे दे रहा हूं, भूकंप मूल जो है ये फोकस है, और एक शब्द आता है इपिसेंटर, उसको हम कहते हैं भूकंप केंद्र। तो एक दूसरा शब्द है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, भूकंप केंद्र उसको हम बोलते हैं इपिसेंटर। इपिसेंटर ये दो कॉन्सेप्ट वाले शब्द हैं, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। भूकंप मूल क्या होता है? जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिस स्थान से, आप शायद दिख रहा है, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है, मान लीजिए कि वो ये स्थान है, ये आपका है धरातल, सरफेस। धरातल का मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं, ये सरफेस है ना, क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा, ये आपका सरफेस है, और भूकंप अंदर से उठ रहा है, यहां से ये तरंगें उत्पन्न हो रही है, ये जाएंगी इधर भी, लेकिन हमको ऊपर जो तरंगें आ रही है, धरातल पर जो तरंगें आ रही है, उससे मतलब है। तो ये जहां से उठ रही है उसी को भूकंप मूल कहते हैं। मूल का मतलब जड़, भूकंप मूल का मतलब भूकंप की जड़। तो भूकंप मूल जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, जहां सबसे पहले भूकंप उत्पन्न हुआ है, और फिर ये आएगा धरातल के ऊपर पहुंचेगा, ये पूरा धरातलीय भाग है, यहाँ पे मकान भी है, यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं, यहाँ पे खेत खलियान भी हैं, पेड़ पौधे सब लगे हैं, ये धरातल है, और यहाँ पर आके सबसे पहले महसूस हुआ भूकंप, सबसे पहले पता जहां पर चला, जहां पे अनुभव किया गया। ये शब्द याद रखिए कि जहां पर अनुभव किया गया, जहां पर सबसे पहले पता चला कि यहां पर भूकंप आया है। फोकस क्या है? जहां से उत्पन्न हुआ है, और इपिसेंटर क्या है? जहां पर अनुभव किया गया, तो ये बिंदु ऊपर होगा धरातल के ऊपर। तो कभी भी आपसे कहा जाए एक फिगर बना के कि इसमें दोनों में बताइए, तो ये मूल हो जाएगा, यानी कि ये फोकस हो जाएगा, और ये यहां पर आप आएंगे तो ये इपिसेंटर आ जाएगा, इपिसेंटर हो जाएगा जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाएगा। तो ये दो